खबर हमीरपुर के मोदहा से है, जहां तड़के सुबह एक भीषण हादसा हुआ है, जिसमें तेज गति से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पेड़ों पर जा टकराया, जिससे ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके से ही ट्रक ड्राइवर सहित फलासी की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें आज बड़े सुबह लगभग 4 बजे हमीरपुर जिले के मोदा कस्बे के निकट राठ तिराहे पर कानपुर से ट्रक अनलोड करके आ रहा ट्रक हाईवे किनारे पेड़ों पर जा टकराया, जिससे ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जिस मौके पर ही ट्रक ड्राइवर अंकित उर्फ चरण सिंह पुत्र सीताराम और फलासी भूरा सिंह पुत्र वरदानी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक से शवों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और ट्रक मालिक अरविंद साहू व मृतकों के परिजनों को सूचित करने के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम रामनी है। क्या हुआ है? ये हमारा भतीजा है जो ये गाड़ी चलाता था, कानपुर से कब्रे की ओर आ रहा था, तो रास्ते में ये मौदा और नगर के बीच में अचानक स्टेयरिंग फेल हो जाने के कारण अनंतर होकर के जाके पेड़ से टकरा गया। क्या नाम है भैया? उनका नाम है चरण सिंह। कितनी उम्र रही हो? 24 साल। पिताजी का नाम है सीताराम। और कितने लोग थे? 2 लोग थे, एक सौ घटा क्लीनर, दोनों लोग थे। उनकी उम्र कितनी होगी? 20 साल। ट्रक में कुछ लोड था या नहीं? खाली ट्रक था, कब्रे की ओर जा रहा है। कितने समय की घटना है? ये सुबह 3 बजे की। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल